हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का न्यूज़ 8 लाइव में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन ऑफ फाइबर। पिछला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, और ये उसी टॉपिक का दूसरा एक इंटरनल टॉपिक है, एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन ऑफ फाइबर। दोस्तों, पहली बात तो आखिर एक्सेप्टेंस एंगल क्या चीज़ है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ एक्सेप्टेंस एंगल क्या है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके अंदर एक कोर होती है, और कोर के ऊपर एक क्लैडिंग होती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। तो इसका अगर मैं रिफ्रैक्टिवनेस म्यू वन ले रहा हूँ, इसका म्यू टू ले ले रहा हूँ, ये भी म्यू टू हो गया। तो दोस्तों, जब भी कोई रे कोर की एक्सिस पे टकराएगी, तो मान ली एक रे ये आती है, वो यहाँ टकरा जाती है, और ऐसे ही एक और रे आ रही है, वो यहाँ टकरा रही है। तो दोस्तों, जो एक्सटर्नल एंगल इनकी इंसिडेंस पे बना है, जो कि रे का एक्सिस ऑफ फाइबर, ये एक्सिस ऑफ फाइबर है, यहाँ पे इंसिडेंस होने के बाद जो एक्सटर्नल एंगल बना रही है, किसके ये, अगर हम यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो होता है क्रिटिकल एंगल हमारा। अगर ये रे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे लग रही है, तो फिर ये परपेंडिकुलरली चली जाएगी, यहाँ नॉर्मल ये परपेंडिकुलरली यहाँ से चली जाएगी, ये सॉरी क्रिटिकल एंगल ये होता है, तो ये रे ऐसे प्रोपेगेट है। अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम पे जाती है, तो फिर ये क्लैडिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और रे गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोस्तों, यही होता है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। ये होता है दोस्तों हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। तो अगर मैं बात करूँ, और पहली बात हमने जान ली एक्सेप्टेंस एंगल क्या चीज़ होती है, हम जानते हैं एक्सेप्टेंस कोण क्या चीज़ होता है, एक्सेप्टेंस कोण और एक्सेप्टेंस कोण ऑफ फाइबर क्या चीज़ होती है। एक बात मैं एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक्सेप्टेंस एंगल जो होता है, ये हर फाइबर के लिए, ये जो है एक्सेप्टेंस एंगल डिपेंड करता है कि फाइबर हमारा किस प्रकार का है और कोर हमारा कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, उसका मटेरियल कौन सा है, उसका डायमीटर क्या है, उसी पे एक्सेप्टेंस एंगल डिपेंड करता है। अब बात करते हैं उसे एक्सेप्टेंस कोन ऑफ फाइबर पे। ये जो एंगल बन रहे हैं, इनकी जो रेंज है वही होती है एक्सेप्टेंस कोन ऑफ फाइबर। और एक्सेप्टेंस कोन क्या होता है, एक्सेप्टेंस इन एंगल्स को सेमी, एक कोन का सेमी वर्टिकल एंगल मानते हुए, एक्सेप्टेंस एंगल को एक कोन का सेमी वर्टिकल एंगल मानते हुए, मैं अगर उन रेज का एक कोन बनाता हूँ इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे वो रेज ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल फाइबर की एक्सिस के साथ लग रहे हैं, इंसिडेंस हो रही है जहाँ पे, तो वही हमारा एक्सेप्टेंस कोन हो जाता है। आगे बात आती है दोस्तों कि मैं अगर इसका फॉर्मूला एक डिराइव करना चाहूँ तो वो क्या होगा। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। हमने एक्सेप्टेंस एंगल अपना अल्फा मान लिया, यहाँ पे हम जहाँ इंटरफेस हुआ है वहाँ ए पॉइंट मान लेते हैं, और ये एंगल छोड़ देते हैं, और ये एंगल हमारा थीटा मान लेते हैं, और जो क्रिटिकल एंगल है वो हम अपना मान लेते हैं अभी थीटा आई, क्योंकि अभी ये क्रिटिकल एंगल पे नहीं है। ये क्रिटिकल एंगल पे जब होगा तब हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी ये क्रिटिकल एंगल पे हम नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, मान लीजिए मैंने जो ये इसके बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो म्यू नॉट ले लिया, तो फिर सबसे पहले हम बात करूँ तो साइन थीटा अपॉन एक्सेप्टेंस एंगल पे अभी नहीं है, अभी हम इसे थीटा ई मान लेते हैं, तो साइन थीटा ई, अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा ई हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू वन के इक्वल, एग्री।
यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन म्यू वन इंटू साइन थीटा ई। सेम क्वेश्चन मान लेते हैं, आगे आते हैं तो हम यहाँ से पाएंगे कि जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, अगर मैं ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो लगाता हूँ तो थीटा की वैल्यू हो जाती है यहाँ से 90 माइनस थीटा आई। अब दोस्तों ये बात है, ये साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा ई के, मतलब थीटा बढ़ाने पे थीटा ई भी बढ़ेगा और थीटा थीटा जब बढ़ाया जाएगा तो थीटा आई कम होगा। ऐसे ही जब साइन थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो साइन थीटा ई भी बहुत छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से साइन थीटा आई की वैल्यू बढ़ेगी और साइन थीटा ई छोटे 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 होते हुए एक एक्सेप्टेंस एंगल पे पहुंच जाएगा और साइन थीटा आई वो सिर्फ थीटा थीटा आई बढ़ते 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 क्रिटिकल एंगल पे पहुंच जाएगा। तो हमारा थीटा ई छोटा होते होते अल्फा बन जाएगा और थीटा आई बढ़ते बढ़ते हमारे क्रिटिकल एंगल पे आ जाएगा। यहाँ से मैं पहले यहाँ इसमें ये दो क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, तो साइन थीटा की जगह हमने 90 माइनस थीटा आई लगाया इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू वन साइन थीटा ई। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आई, म्यू वन इधर आ गया, म्यू वन कॉस थीटा आई इक्वल्स टू म्यू नॉट साइन थीटा ई। यहां से अब मैं वैल्यूज लगाना चालू करता हूँ, थीटा ई की जगह मैंने साइन अल्फा लगाया, सिर्फ अल्फा लगाया सॉरी साइन अल्फा, और थीटा ई की जगह थीटा सी लगाया म्यू वन कॉस थीटा सी। तो म्यू नॉट साइन अल्फा की वैल्यू हो गई म्यू वन कॉस थीटा सी, को मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। इसे को इक्वेशन रख ले और अब मैं जो ये बी पॉइंट है यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो पहला एंगल है हमारा साइन थीटा आई और यहाँ पे हमारा जो जिस पे रे गई है वो एंगल हमारा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा ई अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब मैं बात करूँ तो साइन साइन थीटा आई अब मेरा हो गया है थीटा आई इक्वल्स टू हो गया साइन थीटा सी के, एक क्रिटिकल एंगल पे पहुंच चुकी है हमारी वैल्यू। तो साइन थीटा आई इक्वल्स टू साइन थीटा सी हो चुका है, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी इक्वल्स टू साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। साइन 90 डिग्री वन, तो साइन थीटा सी की वैल्यू हो गई म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगा देंगे तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगी म्यू नॉट साइन अल्फा इक्वल्स टू म्यू वन अंडर रूट वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो म्यू टू अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ जो हमने बाहर का मीडियम लिया है म्यू नॉट, वो अगर एक म्यू म्यू नॉट ये अगर एयर है तो एयर में म्यू नॉट हो गया हमारा वन, साइन अल्फा हो गया हमारा अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, अल्फा हो गया हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। तो दोस्तों एक्सेप्टेंस एंगल का प्रूफ हमने कर दिया है
और इसका फॉर्मूला आया है साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। अब बात ये है दोस्तों, जो याद करने वाली बात है, जो लाइट रेज हैं जो इमर्ज होंगी एक कोन से, उन्हें डिफाइन किया जाएगा एक एक्सेप्टेंस एंगल पे, जो कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड तब होंगी जब वो एक क्रिटिकल एंगल पे क्लैडिंग सरफेस पे पड़ेंगी। अगर वो उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जाती हैं तो वो क्लैडिंग की सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। दोस्तों यहाँ से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, और आज हमने टॉपिक कवर किया है एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन ऑफ फाइबर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों हमारा चैनल, कि अगर आपको कोई भी पढ़ाई में डिफिकल्टी हो रही है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट्स में हमें इसकी क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और मैं अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप उस मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं sharmaunnayan@gmail.com, या फिर हमारे चैनल की जो ईमेल आईडी है वो है news@live2399@gmail.com। आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं sharmaunnayan, आप मेरे को ट्वीट कर सकते हैं और मेरे को उसमें टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को।